कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर सीरीज में क्या होता है, एक कैपेसिटर के बाद दूसरे कैपेसिटर के बाद तीसरा कैपेसिटर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये ऐसा होता है, एक के नीचे एक के नीचे एक। तो सीरीज के अंदर एक्चुअल में प्रोसेस है क्या, इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है। आप ऐसा करें, आप यहाँ पर एक कैपेसिटर लें, दूसरा कैपेसिटर लें, तीसरा कैपेसिटर लें, इनको वायर से ज्वाइन कर दें, कनेक्टेड बाय अ बैटरी, ये लो एक बैटरी से कनेक्ट कर दें, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। ये कनेक्ट कर दिया, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी ने शुरू में काम क्या किया, बैटरी ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को छीन लिया, अट्रैक्ट किया, तो यहां पर क्या आ गई, डेफिशिएंसी, क्यू चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के थ्रू कहां सप्लाई कर दिए, यहां कर दिए माइन, बस बैटरी ने इतना ही काम करना है, बस इसको मेंटेन करके रखना है, बैटरी का इतना काम खत्म हो गया। और करंट भी अब खत्म हो गया इसमें, शुरू में गया था जब इलेक्ट्रॉन मूव किए, एक बार चले गए जो, बस ये मेंटेन हो गया, अब कोई करंट नहीं है वायर में। अब कैपेसिटर अपने आप काम करेंगे, देखो कैसे, इस प्लस ने सामने की प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इंडक्शन कंडक्टिंग प्लेट है, इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इसके खुद के भी थे और इसे पीछे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये और ये वायर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये और ये सेम पोटेंशियल पे है, तो इसने यहां के इलेक्ट्रॉन भी खींच के अपने इलेक्ट्रॉन भी यहां पर रख दिए, और यहां पर क्या प्रोड्यूस कर गई, डेफिशिएंसी। तो बाय इंडक्शन ये माइनस क्यू है, तो ये क्या है, प्लस क्यू है। अब ये प्लस प्लेट हुई, सामने वाली प्लेट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कहां से आए, यहां से घूम के आ गए, ये देखो प्लस क्यू। तो आपने एक चीज नोट की, आपने चार्ज सिर्फ पहली प्लेट का देखना होता है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो रूल नंबर वन, जब कैपेसिटर सीरीज में है, चाहे 100 कैपेसिटर लगे हों, सारी प्लेट पे चार्ज क्यू विल रिमेन सेम, ऑटोमेटिकली चार्ज डेवलप हो जाएगा, पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट, अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर वी है, टोटल 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये प्लस और माइनस में पोटेंशियल डिफरेंस है V1, ये प्लस और माइनस में पोटेंशियल डिफरेंस है V2, ये प्लस और माइनस में पोटेंशियल डिफरेंस है V3, तो रिजल्ट याद रखना, V = V1 + V2 + V3, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 + V2 + V3, क्लियर है यहां तक। यही एक्सप्लेन किया गया एग्जैक्टली इसके अंदर, ये रही आपकी बैटरी। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आप देखेंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 0 वोल्ट पे ले लेते हैं, पॉजिटिव वी वोल्ट, नेगेटिव 0 वोल्ट, जरूरी नहीं है, बस ये डिफरेंस जो है, वी माइनस जीरो अगर 10 वोल्ट है, आप अगर V1 V2 लेते हो तो V1 - V2 10 वोल्ट है, क्लियर है, तो ईजी बनाने के लिए 0 ले लेते हैं। तो अगर ये वी वोल्ट है तो ये वायर की रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये प्लेट भी वी वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है तो इसकी भी 0 वोल्ट है, वी वोल्ट 0 वोल्ट, क्लियर है। इसके बाद मान लो ये वी डैश वोल्ट है, अगर नया वोल्ट वी, पता नहीं क्या पोटेंशियल होगा, वी डैश वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी वी डैश वोल्ट है। मान लो ये वी डबल डैश वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी ये डबल डैश वोल्ट है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने है बताओ, V1 किसके इक्वल होगा, V - V-, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने है, V2 क्या होगा, V-V" इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V" - 0, ये रहा। और अगर आप इन्हें ऐड करें तो आंसर वही आएगा, V = V1 + V2 + V3, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं करना, आपको सिंपली बोलना है कि अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें V1 होगा, इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा, सच दैट V = V1 + V2 + V3। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है ये, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे चल रहा है, ठीक है यहां तक। और लास्ट है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सभी कैपेसिटर में क्या रहेगी, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 V2 V3, तो पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज C1 × V1, सेकंड के लिए चार्ज तो सेम रहेगा C2 V2, थर्ड के लिए C3 V3, तो यहां से V1 V2 V3 आ गया, टोटल V आपको पता है, V1 V2 V3 में पुट कर दिया, क्यों नीचे आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर ये 3 कैपेसिटर की जगह 1 कैपेसिटर लगाएं जो सेम काम करे, जो 3 कैपेसिटर करता है, तो क्या करेंगे, 3 की जगह 1 लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस है CS, सीरीज, सेम काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सारे मिलके भी क्यू चार्ज स्टोर कर रहे हैं हर कैपेसिटर पे, और ये भी क्यू कर रहा है, बैटरी वही है वी, तो इसके लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, Q = CS × V।
तो यहां से V डिवाइडेड बाई क्यू क्या बनेगा, 1 बाय सी एस। क्लियर है यहां तक? तो यहां पुट करेंगे V by Q 1 by CS। ये फॉर्मूला नोट करें रजिस्टर में सीरीज का, 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। ये रजिस्टर से उल्टा है, रजिस्टर में पैरेलल में लगता है ये, और कैपेसिटर में सीरीज में लगता है। तो 1 by CS का फॉर्मूला क्या होगा सीरीज में, 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। ठीक है यहां तक? और उसी तरीके से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लास्ट आज हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज करो ये आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट है, जैसे वो रहा होल्स हैं, तो 3 प्लग लगाते हो, तीसरा प्लग तो ग्रीन कलर की वायर है, अर्थ है, 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है, तो आपके पास बस यही 2 पॉइंट है। इसमें 220 वोल्ट है, आपको इस 220 वोल्ट में इमेजिन करो एक मिक्सी चलानी है, तो वायर लो यहाँ पर, मिक्सी चला दो, मिक्सी चल पड़ेगी, बात खत्म। पॉइंट एक ही है बिजली का, बल्ब भी चलाना है। अब वो इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, प्लग काटता है, तार छिलता है, मिक्सी की तार 2 तारे छिल दी, बल्ब की भी छिल दी 2 तारे, फिर दोनों को घुमाता है, एक बन गई वो, फिर दोनों को इसमें डाल देता है, तो यहीं से क्या चल रहा है, बल्ब, और यहीं से जॉइंट से क्या चल रहा है, मिक्सी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि ये अब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रीशियन जब घर बनता है सब पैरेलल में लगाता है, क्योंकि पीछे 220 वोल्ट आ रहा है, एसी को 220 चाहिए, पैरेलल को 220 चाहिए, कैमरे को 220 चाहिए, सबको 220 चाहिए, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज में होता तो 220 में से 200 तो एसी खा गया, तो ये 20 वोल्ट पे कहाँ चलेगा, सेल के जितना, ये नहीं चलेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में काम होता है। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ इसमें हुई हुई है, ये देखो ये जॉइंट है सबके साथ, और ये फर्दर ये 0 वोल्ट, तो ये भी 0 0 0 वोल्ट, ये वी वोल्ट, तो ये वी 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 वोल्ट। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बैटरी का V माइनस 0 है, तो इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। तो रूल नंबर 1, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सभी कैपेसिटर में क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज, इसमें V, इसमें चार्ज डिफर करता है। क्यों? क्योंकि पहले कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा, C1 into V, क्योंकि C डिफर कर रहा है, दूसरे में C2 into V, तीसरे में C3 into V, और टोटल चार्ज जो Q बैटरी ने दिया था वो कुछ यहां से निकाला, कुछ यहां से, कुछ यहां से, तो टोटल चार्ज Q क्या होगा, Q1 plus Q2 plus Q3, तो Q1 क्या होगा, C1V, Q2 क्या होगा, C2V, Q3 क्या होगा, C3V, तो V यहां से यहां आ गया। अगर इन तीन कैपेसिटर्स की जगह हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक लगाएं जो सेम काम करे, क्या काम करे, वो तीनों मिलके भी तो Q चार्ज स्टोर कर रहे हैं, या अकेला ही Q चार्ज स्टोर कर लेगा, तो क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू CP इनटू V, तो यहां से Q बाय V क्या बनेगा, CP, Q बाय V CP। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नोट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 का फॉर्मूला फॉलो करें।